नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे और विधायक संजय उइके को धमकी देने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अन्य सदस्य फरार है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही बड़ा खुलासा भी किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से हथियार भी जब्त किए हैं। आरोपी नक्सलियों के नाम पर धमकी भरे पत्र नेताओं को भेजते थे। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने पत्र भेजकर विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे और विधायक संजय उइके से पैसे की डिमांड की थी। डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे के काफिले के साथ हुई दुर्घटना के पीछे नक्सली साजिश की आशंका जताई थी। वहीं प्रदेश में इस हादसे की जांच की मांग भी उठी थी। पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच शुरू की तो यह 6 आरोपी पकड़ में आ गए। पुलिस इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अपने बयानों से सियासत में हलचल मचाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने एक बार फिर अपनी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। पिछले दिनों लगातार बयानबाजी के बीच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पार्टी कार्यालय में उन्हें तलब किया था और पार्टी लाइन के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर उन्हें 2 टूक समझाइश भी दी गई थी, जिसके बाद उनके सुर बदल गए थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी के कैंपेन के तरीके पर सवाल उठाए हैं। गौर ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के दिए नारे माफ करो महाराज को गलत बताया है। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए पेरेंट्स टीचर मीट शनिवार से शुरू हो गई। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। ये शाम को 4 बजे तक चली। पीटीएम का उद्देश्य बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में सुधार करना है, इसलिए इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सभी स्कूलों में इसका आयोजन किया गया था। आज सुबह से स्कूलों में बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई की स्थिति जानने के लिए स्कूलों में पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान खेल मंत्री जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को योग करने की नसीहत दी है। जीतू पटवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के जो बयान आ रहे हैं उससे मध्य प्रदेश की गरिमा गिरती है, जिसके चलते उन्हें योग और ध्यान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान में नकारात्मकता ज्यादा है। एक महिला ने भोपाल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को एमपी नगर थाने में शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें कहा है कि मोहम्मद सगीर ने उनके साथ गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कराए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर खुद ही एमपी नगर थाने पहुंच गए और शिकायत को झूठी बताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।